नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए दिन भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 163 व्यक्तियों का दिनांक 15 व 16 मई 2020 को सैंपल जांच हेतु गोरखपुर लैब में भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट में 16 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शेष 147 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है। इसी प्रकार 17 मई 2020 को 48 व्यक्तियों का सैंपल जाँच हेतु गोरखपुर लैब भेजा गया था, जिसमें से 45 व्यक्तियों की जाँच रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है। शेष 3 रिपोर्ट प्रतीक्षा में है। दिनांक 18 मई 2020 को 59 व्यक्तियों का सैंपल जाँच हेतु गोरखपुर लैब भेजा गया था, जिसमें से 22 रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है। शेष 37 रिपोर्ट प्रतीक्षा में है। अम्बेडकर नगर जिले में बेखौफ हुए अपराधी, पुलिस का खत्म होता खौफ दिख रहा है। ये हम नहीं तस्वीरें कह रही हैं, जहां दिनदहाड़े एक युवक द्वारा अवैध असला लाया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिनदहाड़े हाथ में लेकर अवैध असला लहराने की तस्वीर वायरल हो रही है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जमुनीपुर करमुला गांव का ये युवक बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यह अवैध असला यह व्यक्ति लहरा रहा है और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बता दें आपको कि राज्य कर्मचारी से यह पीड़ित रिटायर्ड है, जिसका नाम अशोक तिवारी है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अपराधी असला लहरा रहा है। अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है और ये काम पुलिस द्वारा ही किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है नियमों का पालन कराना, तो वही उड़ा रहे हैं धज्जियां। ई रिक्शा पर सवार 6 महिला सिपाहियों का वीडियो वायरल हुआ है। जिला मुख्यालय के बस स्टेशन क्षेत्र का ये वीडियो है। ई रिक्शा पर 2 सवारी बैठाने की ही अनुमति है। आम जनता का चलान काटा जा रहा है, लेकिन इस तरह की वीडियो अंबेडकर नगर प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रही है। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह, आशा कार्यकर्तियों व आंगनबाड़ी द्वारा नगर पंचायत के विभिन्न वार्डो में, जो प्रवासी नगर पंचायत के विभिन्न वार्डो में रह रहे हैं, उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर द्वारा सभी वार्डो का निरीक्षण किया गया। उनके घर घर जाकर देखा गया। इसी क्रम में यह भी देखा गया कि उनके घरों पर आशा आंगनबाड़ी द्वारा फ्लैट चस्पा किया गया है या नहीं, तथा बाहर से आए लोग अपने घरों में क्वारंटीन में हैं या बाहर घूम रहे हैं। तो वही नगर पंचायत में सभी लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के लिए निर्देशित किया गया, साथ ही साथ लोगों में शारीरिक दूरी बनाकर रहने के लिए भी निर्देशित किया गया, तथा जो लोग अन्य प्रांतों से अपने घर आए हैं उन्हें 21 दिनों तक घर से बाहर ना निकलने के लिए निर्देशित किया गया। विद्यार्थी में निगरानी समिति की कमेटी के साथ बैठक करके और क्षेत्र में फ्लैग चस्पा की निगरानी आपने जांच किया, क्या मिला सर इससे? ये अतरौलिया कस्बे में 83 लोग बाहर से अभी तक 1 मई के पश्चात आए हुए हैं, तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सब पूरे कस्बे में जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके यहाँ देखा जा रहा है कि आशा या आंगनबाड़ी के द्वारा फ्लायर चस्पा किया गया है अथवा नहीं, तो यहाँ पाया गया कि फ्लायर चस्पा किए गए हैं। और साथ ही जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था सबको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया, और लोगों ने काफ़ी लोगों ने मास्क लगा भी रखा है। और यदि ऐसा कोई कल 22 ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई है। आज भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति मानता नहीं है तो उसके विरुद्ध भी FIR दर्ज करा दी जाएगी। जिसका फ्लैग चस्पा है और वहाँ के क्या नसीहत दी गई उन लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं? उन लोग बताया गया कि आप होम क्वारंटीन अपने घर में अभी रहें, लोगों से किसी भी रूप से मेल जोल न करें और अलग कमरे में रह करके अपना COVID-19 के दृष्टिगत जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दीक्षाएं समस्त STM तहसीलदार के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी STM तहसीलदार को निर्देश दिए कि COVID-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में अधिक संख्या में प्रवासी मजदूरों का जनपद में आगमन हो रहा है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने सभी STM तहसीलदार को प्रतिदिन 5-5 गांव निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए, तथा गांव में जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है यदि वे बाहर घूमते हुए मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिया कि यह भी देखें कि यदि कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन है और उसके घर में जगह की कमी है तो उसको शेल्टर होम में रखा जाए।
वरिष्ठ रंगकर्मी फिल्म अभिनेता अरविंद चित्रांश ने कहा कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन काल में इंडियन आइडियल फेम पॉपुलर सिंगर रितिका पांडे ने अपनी गायकी से वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनी महिलाओं की तरफ से अपने पतियों और देश के रक्षकों की सुरक्षा और कुशलता के लिए नारी शक्ति के दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति की अद्भुत मिसाल पेश किया है। आज पर्यावरण और मानव संरक्षण का ऐतिहासिक पौराणिक वट सावित्री व्रत का महत्वपूर्ण दिन है। वट सावित्री व्रत के दिन मातृ शक्तियों की तपस्या से प्राणी जगत में खुशहाली रहती है। आइए सुनते हैं इंडियन आइडियल फेम पॉपुलर सिंगर रितिका पांडे को कि गीत के माध्यम से क्या कुछ कहा। आज 22 मई महिला शक्ति का प्रतीक वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अपने पतियों के कुशलता के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और बरगद के पेड़ की पूजा पर्यावरण संरक्षण और मानव संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने देश की नारियों को सम्मान करते हुए, अपनी मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए आज का दिन उनके त्याग, तपस्या, समर्पण को प्रणाम करें। इसी कड़ी में प्रसिद्ध गायिका रितिका पांडे, जो इंडियन आइडल फेम हैं, कुछ पंक्तियों से आपको आज के दिन बट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं के लिए वो कुछ गुनगुनाएंगी और कहेंगी कि भगवान हमारे सुहागिन महिलाओं के पतियों को ऐसा बर देना कि वो देश की रक्षा कर सकें। जय हिंद, जय भारत। भारत में बस इतना कर देना भगवान, कोरोना योद्धाओं के पत्नियों को सुहागन का देना वरदान। भारत में बस इतना कर देना भगवान, कोरोना योद्धाओं के पत्नियों को सुहागन का देना वरदान। जय हिंद। नमस्कार, मैं वोकलिस्ट रितिका पांडे। आज 22 मई है। पूरे देश में जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री व्रत की पूजा कर रही हैं और खासतौर इस बार देखा गया है कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ। औतरौली थाना क्षेत्र के परानापुर गांव में 50 वर्षीय व्यक्ति जो दिल्ली से अपने घर आया था, उसे एक विद्यालय में 17 मई को क्वारंटीन में रखा गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उसे मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया। इलाज के ही दौरान आज सुबह कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बेटे की रिपोर्ट गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजी गई थी, जो अभी तक नहीं आई है। सीएमओ आजमगढ़ AK मिश्रा ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वही जनपद में अब तक 4 दिन में तीसरे संदिग्ध की मौत हुई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया की टीम डॉक्टर शिवा सिंह के नेतृत्व में मृतक के गांव परानापुर पहुंचकर पूरे गांव का स्वास्थ्य परीक्षण कर गांव को सैनिटाइजर करवाने में लगी है। कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा विगत 1 माह से ग्रामीण क्षेत्रों में कामगार, मजदूर, विधवा महिलाओं के परिवारों को सूखा राशन एवं राहत सामग्री के रूप में वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 22 मई को नगर पंचायत अतरौलिया के वार्ड नंबर 7 जोलाहा टोला दक्षिण व वार्ड नंबर 11 जोलाहा टोला उत्तरी व अवन्या मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले की मुस्लिम बहनों को अलविदा जुमात के अवसर पर सामुदायिक भवन अतरौलिया के प्रांगण में अधिशासी अधिकारी अंजलि वर्मा व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रश्मि प्रिया सिंह के देखरेख में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की टीम के द्वारा सभी 55 परिवारों को सेवई, चीनी, सूखा मेवा एवं मास्क का वितरण किया गया। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की ओर से आज अतरौलिया ब्लॉक की अतरौलिया नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी अंजलि वर्मा और राजकीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य रश्मि प्रिया सिंह के साथ मिलकर के उनके निर्देशन में हम लोगों ने अतरौलिया नगर पंचायत के गरीब परिवारों की को हम लोगों ने, चूँकि ईद आ गई है आज जुमा, जिला प्रोबेशन अधिकारी BL यादव ने बताया कि कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रदेशों से जीविकोपार्जन हेतु निवास कर रहे लोग जनपद में लगातार वापस आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पारिवारिक क्लेशों में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके कारण महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसे प्रकरणों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है,
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद की महिलाओं बालिकाओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली की किसी भी विषम परिस्थितियों में सहायता हित कोविड 19 कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0 54 62 24 60 39 या 24 71 84 को किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु आवंटित करते हुए जिला प्रोबेशन कार्यालय के अंतर्गत संचालित वन स्टाफ सेंटर के कर्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं द्वारा निर्मित 1500 मास्क मुख्य विकास अधिकारी तथा उपायुक्त श्रम रोजगार को भेंट किया गया। इस अवसर पर कौशल विकास मिशन जिला प्रबंधक धीरज सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी और राजकीय प्रशिक्षण संस्थान से कार्यानुदेशक रविन्द्रनाथ यादव उपस्थित रहे। आजमगढ़ के ग्राम जुड़ा खुर थाना महाराजगंज में प्रधान के परिवार के साथ मांस को लेकर हुई मारपीट, जिसमें आम के बाग में जा रहे प्रधान के भतीजे और उसके भाई को बुरी तरह मारा पीटा गया। बीच बचाव करने आए व्यक्ति को धारदार हथियार से मारा, जिससे उसकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये खबर को दिखाए जाने पर पुलिस हरकत में आई। SHO महाराजगंज अरविंद कुमार पांडे ने टीम बनाकर अजमल और उसके सभी साथियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पर पीड़ित प्रधान परिवार ने TV20 न्यूज़ और पुलिस का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया है। साथ ही आपको बता दें कि SP आजमगढ़ के निर्देश पर जनपद के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 56 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्यवाही की गई है। कक्ष में सभी STM एवं तहसीलदार एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवासी अवरुद्ध प्रवासी लोगों को अस्थायी राशन कार्ड बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो जिला पूर्ति अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से लाभार्थियों की सूची का सत्यापन कराएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रवासी अवरुद्ध प्रवासियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न एवं प्रति कार्ड पर 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वीडियो एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से प्रवासियों की लिस्ट बनवाएं तथा उनके परिवार के राशन कार्ड से मिलान कर लें कि उनका नाम पहले से दर्ज तो नहीं है, तथा मिलान के बाद सूची का सत्यापन कर जिला पूर्ति अधिकारी उनका स्थायी राशन कार्ड बनाएंगे। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अन्य जनपद प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के आने से अधिकतर प्रवासी मजदूरों में कोरोना के संक्रमण के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसके दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि L1 अस्पताल में उन मरीजों को रखा जाता है जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं लेकिन उनके कोरोना के लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं। L1 अस्पताल को लुखोर व तरमा सेसी में 130 बेड का बनवाया गया है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि L1 अस्पताल के समकक्ष जयपुरिया स्कूल, दुर्गा जी कॉलेज, BSR कॉलेज, फार्मेसी, SSPG कॉलेज, खुर्रमपुर, निजामाबाद में 650 बेड का अस्पताल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि L2 अस्पताल में उन मरीजों को रखा जाता है जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं। 100 बेड अस्पताल अतरौलिया में 8 बेड तथा मंडली चिकित्सालय में 8 बेड का L2 अस्पताल, इस प्रकार कुल 16 बेड का L2 अस्पताल बनाया गया है। L3 अस्पताल में उन मरीजों को रखा जाता है जो कोरोना वायरस से गंभीर रूप से ग्रसित होते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में 100 बेड का L3 अस्पताल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि L3 अस्पताल को सक्रिय कर दिया गया है। यहाँ संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है और वेंटिलेटर एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम ने बताया कि दिनांक 21 मई 2020 को प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक आजमगढ़ रोडवेज बस स्टेशन पर विभिन्न प्रदेश व जनपदों से कुल 1414 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं और दिनांक 21 मई 2020 को साय 6 बजे से आज दिनांक 22 मई 2020 को प्रातः 6 बजे तक रोडवेज बस स्टेशन से कुल आजमगढ़ पर विभिन्न राज्यों जनपदों से कुल 1952 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। साथ ही एक प्रवासी यात्री नेपाल से आया है। उक्त सभी प्रवासी मजदूर यात्रियों को ब्रेकफास्ट व लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया एवं उन्हीं सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बाद उन्हें संबंधित तहसील मुख्यालयों के शेल्टर होम पर भेजा गया, जहां पर उनका पूर्ण विवरण दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही तहसील स्तर से राशन किट उपलब्ध कराया जाएगा। आजमगढ़ में लॉर्ड जीजस वेलफेयर वुमेन सोसाइटी की तरफ से रोडवेज आजमगढ़ परिसर में अति मजदूरों को पानी की बोतल, बिस्किट, मास्क का वितरण किया गया। श्रीमती स्नेह लता भट्टी, शुभम भट्टी और अनिता शैलेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ तथा राहुल संकृत्यान अंतर्राष्ट्रीय घुमक्कड़ ग्रुप आजमगढ़ की डॉक्टर पूजा पांडे ने 50 मास्क दिया। सोसाइटी की तरफ से बुरे समय में दूसरे की मदद करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अनिता शैलेश ने बताया कि भारत रक्षा दल और प्रयास संगठन को लगभग 25 आदमियों का भोजन दिया गया है।
इस संस्था के ऐसे नेक काम को TV20 न्यूज तहदिल से सलाम करता है। जिला मजिस्ट्रेट नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जनपद के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन की अवधि में कतिपय गतिविधियां सशर्त अनुमन्य की गई हैं। इस अवधि में समस्त इंसिडेंट कमांडर, उप जिला मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार, मजिस्ट्रेटगण द्वारा COVID-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महामारी काल में पात्र लाभार्थियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु अपने अपने क्षेत्रांतर्गत भ्रमण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि लॉकडाउन की अवधि में अनुमन्य गतिविधियों में COVID-19 से बचाव के उपायों का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त इंसिडेंट कमांडर, उप जिला मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार, मजिस्ट्रेटगण को निर्देशित किया है कि चार पहिया वाहनों में एक चालक के अतिरिक्त दो यात्रियों से अधिक परिवहन न होने दें, फेस कवर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराएं, दो पहिया वाहनों पर एक ही व्यक्ति की अनुमति है तथा हेलमेट व फेस मास्क, फेस कवर लगाना अनिवार्य है। चालक के अतिरिक्त केवल महिला यात्री को ही हेलमेट व फेस मास्क, फेस कवर के साथ बैठने की अनुमति है, परंतु सामान्य जन्य द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। प्रवासी मजदूर, छात्र, श्रद्धालु व अन्य व्यक्ति जो अपने जनपद प्रदेश से आए हैं, जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने हेतु निर्देश दिए गए हैं, वे प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर घर से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि घोषित आपदा में इंसिडेंट कमांडर होने के कारण समस्त इंसिडेंट कमांडर, उप जिला मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार, मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि उक्त गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु क्षेत्र भ्रमण के समय आप स्वयं तथा अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारियों के माध्यम से निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध महामारी अधिनियम 1897 व आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की सुसंगत प्रावधानों के तहत विधि अनुसार जुर्माने, FIR दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही आशा दीदियों को जिलाधिकारी ने बधाई देते हुए कहा कि लाखों श्रमिक जनपद में आए हैं और आप लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसके लिए आशा दीदियां बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने 30 अप्रैल से अब तक जनपद में पहुंचे 1,00,000 श्रमिकों के घर पर जाकर पोस्टर चस्पा करना व कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने का काम किया है। प्रवासी बहनें व माताएं आ रही हैं, उनकी देखभाल व संक्रमण न फैले इसके लिए आप सभी आगे भी कार्य करती रहेंगी। जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। प्रणाम करता हूँ और उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है COVID-19 के रोकथाम के संदर्भ में। बहुत बड़ी चुनौती है जो 30 अप्रैल से प्रवासी श्रमिक 1,00,000 से ऊपर लगभग अब तक पंजीकृत साधनों से या अनौपचारिक साधनों से गांव में आ चुके हैं। आशा दीदियों को वहां पर होम क्वारंटीन का पोस्टर लगाना, उनको नोटिस देना, उनको समझाना और हर तीसरे दिन उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना और अपने MOIC को सूचित करना, ये नियमित अगर विजिट नहीं करेंगी आशा दीदियाँ तो यह जो हमारे प्रवासी श्रमिक बंधु और बहनें आई हैं, अगर उनका ये नियमित परीक्षण नहीं हुआ और उस पर हम ऑब्जर्वेंस नहीं रखे, हम सर्विलांस नहीं रखे, तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इसके COVID-19 के रोकथाम में सफल नहीं हो पाएंगे। आशा दीदियों की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उनकी सराहना करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जैसे अब तक उनका सक्रिय सहयोग मिला है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, वो पूरे विश्वास के साथ 100% अपना देंगी और प्रवासी श्रमिकों के सर्विलांस में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रणाम। जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा की क्षण में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों और समस्त स्टाफ बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने रात दिन अपने जीवन को कठिनाइयों में डालकर प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया है और भविष्य में भी आप मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए प्रवासी श्रमिकों की सेवा में लगे रहेंगे। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के समस्त अधिकारियों और स्टाफ को, बस ड्राइवर, कंडक्टर, चतुर्थ श्रेणी, सभी की अब तक के कार्यों में सराहना करता हूं, जो भी उनके द्वारा संपादित किए गए हैं। और जो भी प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको वांछित स्थलों तक पहुंचाना, सेंटर होम तक पहुंचाना, उनके घरों तक पहुंचाने में जिस निष्ठा के साथ
पूरा स्टाफ परिवहन निगम का लगा हुआ है, बधाई का पात्र है। मैं से अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में इसी लगन, इसी विश्वास, इसी निष्ठा के साथ आप कोविड 19 रोकथाम में अपनी ऊर्जा और अपनी निष्ठा के साथ लगे रहेंगे। आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूं और अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवासी श्रमिकों को जिस तरह सद्व्यवहार के साथ पहुंचाना चाहते हैं उस महाअभियान में, उस महायज्ञ में, इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहें। आपदा के क्षण में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास विकासखंड अधिकारियों को जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बधाई देते हुए कहा कि हमारे ग्राम पंचायत पर ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सद्भावना के रूप में श्रमिकों से पेश आवें और निगरानी समिति के माध्यम से इनकी देखभाल करें और सरकारी सुविधा को उपलब्ध करावें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सफाई कर्मियों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया, कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने में आपकी भी अहम भूमिका है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। हमारे ग्राम्य स्तर पर जो ग्राम पंचायत और ग्राम विकास के जो अधिकारी हैं या खंड विकास स्तर पर हैं या उच्च स्तर पर हैं, उन्होंने अब तक जो भी सराहनीय कार्य किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमसे अपेक्षा किया है कि हम एक और जहां उन्हें प्रवासी श्रमिकों का सद्व्यवहार के साथ स्वागत करें, उनको आवश्यकता अनुसार होम क्वारंटाइन या शेल्टर होम में रखें, उनका स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार जांच कराएं, निगरानी समितियों के माध्यम से उन पर निगाह रखें, नियंत्रण रखें, उनको प्रेरित करें होम क्वारंटाइन के लिए, जांच के लिए। वहीं पर जो गाँव स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको संचालित करने के लिए भी हम तेज़ी से काम करें। हमारे ग्राम्य स्तर के ग्राम विकास और पंचायत राज के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सफाई के साथ साथ होम क्वारंटाइन और उनके डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ बहुत अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन वर्तमान में एक 100% शुद्ध डाटाबेस तैयार करना, मैं जनपद के समस्त सफाई कर्मचारियों का अभिवादन करता हूँ, चाहे नगर क्षेत्र के हों चाहे ग्राम्य क्षेत्र के हों, और उन्होंने जिस तरह से कोविड 19 रोकथाम में युद्ध स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, सफाई का ध्यान रखा है, उनसे मैं ये अपील करूंगा कि जिस जज्बे के साथ आप 60 लाख जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसकी रक्षा के लिए आप कदम उठाए हैं, काम कर रहे हैं, उसी तरह प्रवासी श्रमिकों का जो कि काफ़ी एक संख्या है हमारे जनपद में आई है, तमाम शेल्टर होम हैं, तमाम गाँव में लोग होम क्वारंटाइन हैं, तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन और सफाई पर आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूरी तरह से लगे रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और अब तक जो आपने कार्य किए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ढंग से और सफाई को अंजाम देंगे। कोविड 19 की रोकथाम में कोरोना वायरस के रूप में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे जनपद के समस्त आंगनवाड़ी दीदियों व ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बधाई दी है और कहा है कि आप लोगों की भूमिका की मैं सराहना करता हूं। डोर टू डोर सर्वे करना व लोगों को जागरूक करना, छोटे बच्चों में पुष्टाहार का वितरण करना व स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों का अभिवादन करते हुए कहा कि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती रही है जिसके आपने डटकर मुकाबला किया और बाहर से आने वाले लोगों की सूचना लेखपाल व प्रशासन को पहुंचने में अहम योगदान देते रहे। आप सभी बधाई के पात्र हैं। कोविड 19 रोकथाम में आंगनवाड़ी दीदियों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं उनकी भूमिका की सराहना करता हूं, चाहे वो गांव में और विशेष अटेंशन जोन में डोर टू डोर निरीक्षण करने का रहा हो, चाहे वो डोर टू डोर जा करके पुष्टाहार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजे गए उनके वितरण कर रहा हो, या अनौपचारिक रूप से मेरे द्वारा जनपद स्तर पर आपदा फंड में जो कोई धनराशि जमा हुई थी उससे कुछ गर्भवती महिलाओं, अंत्योदय कार्ड की औरत कुपोषित बच्चों को, या कुछ अन्य अत्यंत निर्धन आर्थिक रूप से जो परिवार थे उनको वितरण के लिए जो हमने उन पर विश्वास किया उस पर वो खरा उतरी, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इसी तरह से
लोगों के बीच में निगरानी समिति के सदस्य के रूप में भी लोगों को जागरूक करते रहें और बच्चों का, छोटे बच्चों के पुष्टाहार का विशेष ध्यान रखें, उनकी माताओं को उनके स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करते रहें और लोगों को भौतिक दूरी, मास्क लगाना और हैंड वॉश के लिए प्रेरित करते रहें और प्रवासी श्रमिकों से मुख्यतः भावनात्मक लगाव रखते हुए भौतिक दूरी रखने के लिए गाँव में प्रचार प्रसार करें, ये मेरा उनसे निवेदन है। समस्त ग्राम पंचायत के प्रधान बंधुओं का अभिवादन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि COVID-19 के रोकथाम को लेकर जो ये लॉकडाउन का प्रथम चरण शुरू हुआ था उस समय से लेकर अब तक बहुत सारी चुनौतियाँ आईं। प्रारंभ में लॉकडाउन के शुरू होते समय मुख्यतः 23 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बाद बहुत सारे प्रवासी श्रमिक जनपद में आए और इसके बाद दूसरी एक बहुत बड़ी खेप प्रवासी श्रमिकों की 30 अप्रैल से लेकर आज तक निरंतर जारी है। ग्राम प्रधान बंधुओं से ये उम्मीद की गई थी कि वो प्रत्येक गांव में बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करें और लेखपाल और सेक्रेटरीज के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा थी कि कोई व्यक्ति भूख से परेशान ना हो, सभी का स्वास्थ्य परीक्षण हो और अगर स्वास्थ्य परीक्षण को लक्षण पाया जाए तो उसको हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करके उसकी सैंपलिंग हो ताकि हम सामुदायिक रोकथाम COVID-19 का ना हो, स्वास्थ्य के मानकों के अनुसार COVID-19 के रोकथाम में कारगर प्रभावी कार्रवाई हो। मैंने देखा है तमाम गांव में बहुत अच्छे से लोगों को या तो शेल्टर होम में रखा गया है या जिनके घर पर जगह नहीं है उसको गांव के ही बाहर एक विद्यालय में उनकी सहमति से समझा बुझा के रखा गया है। यदि जगह ना हो तो शेल्टर होम ब्लॉक में, हर ब्लॉक पर कम से कम 7 से 8 बड़े कॉलेजेस शेल्टर होम के रूप में हैं चिन्हित, अपने तहसीलदार SDM से बात करके आप उनको वहाँ रखवा सकते हैं। लेकिन निगरानी समिति का एक मौलिक दायित्व है कि वो फिजिकल डिस्टेंस, भौतिक दूरी, स्वच्छता, मास्क, ये जीवन का आचरण हो जाए घर घर प्रत्येक व्यक्ति का, ये ज़रूरी है क्योंकि जीवन चलना भी ज़रूरी है, जीवन की गतिविधियाँ भी चलनी ज़रूरी हैं, तो जीवन की गतिविधि भी साथ चले। मनरेगा में प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार भी मिले, जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनका डेटाबेस तैयार हो, उनके स्किल की, हुनर की मैपिंग हो, अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो समूह बना के उनको बैंकों से क्रेडिट दिलाकर उनके बड़े काम से, बड़ी उत्पादक गतिविधियों से, स्थानीय स्तर पर MSME से जोड़ा जाए। ये सब जो अभियान चल रहे हैं ग्राम प्रधानों का सहयोग उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और ये संभव तभी है जब हम डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा के क्षण में पत्रकारों ने अहम भूमिका अदा की है। निगरानी काफी महत्वपूर्ण कार्य होता है, इस काम में पत्रकारों ने सकारात्मक भूमिका निभाई और सही सूचना प्रशासन को उपलब्ध करते रहे। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में प्रशासन के साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। पत्रकारों ने जनता और प्रशासन के बीच एक कड़ी का काम किए हैं। प्रशासन और जनता की सूचनाओं को आदान प्रदान करने का भी काम किया गया है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने इस बाबत, सुनवाते हैं आपको। किसी भी COVID-19 हो या कोई भी आपदा हो उसके संदर्भ में निगरानी सबसे महत्वपूर्ण घटक है और सूचनाओं का आदान प्रदान, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पत्रकार बंधुओं ने किया है और बहुत ही सकारात्मक भाव से किया है। इस पूरी लड़ाई में उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन वॉरियर के रूप में कंधे से कंधे मिलाकर प्रशासन का सहयोग किया है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी लड़ाई इस जनपद में भी COVID-19 के विरुद्ध चल रही है वो कारगर ढंग से चल रही है।
समय समय पर पत्रकार बंधुओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाव भी दिए हैं, जनता तक सूचनाएं पहुंचाई हैं, जनता की सूचनाएं हम लोगों तक पहुंचाई हैं और एक वॉचडॉग के रूप में भी काम किया है, ओम्बड्समैन के रूप में भी काम किया है। मैं उन सभी की प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो समय है, जो आर्थिक गतिविधियाँ और COVID-19 रोकथाम के प्रयास दोनों को जो समन्वय और समानांतर रूप से चलने की जो स्थिति है उसमें लोग आचरण का हिस्सा बना लें, COVID-19 के रोकथाम के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉश है, मास्क लगाना है, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना नहीं है, या जो दुकानों के जो रोस्टर हैं समय पर खुलना है, भीड़ नहीं लगाना है, इन विषयों में अगर हम इसी तरह से लोगों का सहयोग मिलता रहा, पत्रकार जगत के लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हम और अधिक कारगर लड़ाई जीतने में कामयाब होंगे। मैं पूर्व में किए गए प्रयासों और सहयोग की सराहना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में भी इस लड़ाई में इसी तरह का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। जिलाधिकारी ने पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रशासन के साथ हमेशा खड़े रहे, वो हमेशा मुस्तैद रहे हैं। उन्होंने कहा कि गतिविधि शुरू हो गई है, सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना, हमेशा हाथों को धोने का काम आप लोगों से करते रहेंगे और जो लोग कानून तोड़ रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करते रहेंगे। ये सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने। पुलिस कर्मियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छानुसार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य किया है, हमेशा मुस्तैद रहे हैं कोरोना वॉरियर की तरह। मैं उनसे ये उम्मीद करूंगा कि चूंकि गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं और साथ ही डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हैंड वॉश, सफाई का ध्यान रखना, ये भी समानांतर आचरण का हिस्सा बनाना है। आचरण का हिस्सा बनाने के लिए प्रवर्तन कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पुलिस के प्रवर्तन के लोगों के आचरण का हिस्सा नहीं बन पाता है। दंड किसी भी शासन की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेरित करने के बाद भी यदि कुछ लोग नहीं मानते हैं तो उनका चालान करना, उनके विरुद्ध एफआईआर लिखाना और उनके जुर्माना वसूलना एक महत्वपूर्ण साधन होता है लोगों को आचरण का हिस्सा बनाने के लिए, जो राज्य सरकार लोगों के हित में COVID-19 के रोकथाम के लिए चाहती है। इसलिए मैं आप सभी से आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ और अधिक सतर्कता के साथ लोगों को कानून का पालन कराने और COVID-19 के रोकथाम के लिए जो स्वास्थ्य विभाग का प्रोटोकॉल है उसको जीवन के आचरण का हिस्सा बनाने के लिए व्यापक जन जागरण और वांछित प्रवर्तन कार्रवाई में पूरी निष्ठा से अपनी ऊर्जा को लगाएं, ये मेरा निवेदन है, मेरी अपील है। धन्यवाद। घर लौट सका तो जरूर लौटूंगा तेरा शहर बसाने को, पर आज मत रोको मुझको, बस मुझे अब जाने दो। ये पंक्तियां उन प्रवासी भाइयों की जो परिवार के भरण पोषण के लिए अपनों से दूर हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो खुद भूखों मरेंगे और सरकार आश्वासन पर आश्वासन देती रहेगी।
आइए आपको कुछ और पंक्तियां कविता के माध्यम से सुनाते हैं। घर लौट सका तो जरूर लौटूंगा तेरा शहर बसाने को, पर आज मत रोको मुझको, बस मुझे अब जाने दो। मैं खुद जलता था तेरे कारखाने की भट्टियां जलाने को, मैं तपता था धूप में तेरी अट्टालिकाएं बनाने को, मैंने अंधेरे में खुद को रखा तेरा चिराग जलाने को, मैंने हर जुल्म सहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने को। मैं टूट गया हूँ समाज की बंदिशों से, मैं बिखर गया हूँ जीवन की दुश्वारियों से, मैंने भी एक सपना देखा था पेट खाना खाने को, पर पानी भी नसीब नहीं हुआ दो बुद आंसू बहाने को। मुझे भी दुख में मेरी माटी बुलाती है, मेरे भी बूढ़े माँ बाप मेरी राह देखते हैं, मुझे भी अपनी माटी का कर्ज चुकाना है, मुझे माँ बाप को वृद्ध आश्रम नहीं पहुँचाना है। मैं नाप लूंगा सब योजन पांव के छालों पर, मैं चल लूंगा मुन्ना को रखकर कांधों पर अब मैं नहीं रुकूंगा जेठ के तपते सूरज में, मैं चल पड़ा हूं अपनी मंजिल की ओर, अगर मिट गया अपने गांव की मिट्टी में तो खुश नसीब समझूंगा, और अगर लौट सका तो जरूर लौटूंगा तेरा शहर बसाने को, पर आज मत रुको मुझको, बस मुझे अब जाने दो। कोविड-19 के रोकथाम में कोरोना वायरस के रूप में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों, चिकित्सकों तथा लैब टेक्नीशियनों को जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बधाई देते हुए कहा कि आप अपने परिवार से दूर होते हुए भी लोगों की सेवा में लगे रहे और निष्ठा व ईमानदारी के साथ काम करते रहे, और सबकी जाँच सैंपल भेजना ये निरंतर एक प्रक्रिया है जो आपके द्वारा निष्ठापूर्वक किया जा रहा है। आप सभी महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि लोगों की सुरक्षा के साथ अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। मैं स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों, चिकित्सकों, लैब टेक्नीशियंस, सफाई कर्मचारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, एम्बुलेंस चालक, अन्य सभी जो भी स्टाफ हैं, उन्होंने जो एक कोविड-19 के युद्ध में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने को स्थापित किया है और पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, उनकी प्रशंसा करता हूं। 1,00,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों का आगमन जो 1 मई के बाद हुआ है और निरंतर जारी है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराना, उनको होम क्वारंटाइन या सेल्टर होम क्वारंटाइन कराना, उनका लक्षण हर 3 दिन पर जाँच होना आशा दीदियों के द्वारा, और आवश्यकता अनुसार उनके सैंपल भेजना, फिर अग्रेतर उसमें स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई कराना, एक निरंतर प्रक्रिया है। और चूंकि सबसे अधिक संपर्क में कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ स्वास्थ्य विभाग के लोग रहते हैं, इसलिए उनकी लड़ाई और अधिक संवेदनशील हो जाती है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने समस्त सुरक्षा के उपकरणों के साथ स्वयं को लैस रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ जो प्रदेश सरकार, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोविड-19 के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में है,
और मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलजुल करके लोगों के साथ एक कोविड-19 की लड़ाई में एक कारगर भूमिका का निर्वहन करते हुए इसमें सफलता अर्जित करेंगे। धन्यवाद। आपदा के क्षण में रोकथाम व कोरोना वायरस के रूप में कार्य कर रहे राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं लेखपालों को जिलाधिकारी ने बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान समय में प्रवासी श्रमिकों के आवागमन और व्यवस्था को लेकर आपका सर्विलांस बहुत ही सराहनीय रहा है और लेखपाल व उच्चाधिकारियों ने सभी का डाटाबेस तैयार कर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया है और आपके सामने होम क्वारंटाइन की बड़ी चुनौती है और लोगों को हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना ये आपके लिए चुनौती है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। विभाग के सभी लेखपालों ने और उनके उच्चाधिकारियों ने ग्राम स्तर पर प्रवासी श्रमिकों या अन्य लोगों के आगमन पर एक अच्छा सर्विलांस रखा है और उनका डेटाबेस तैयार करके उन्हें प्रेरित किया है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर। इसके लिए मैं प्रशंसा करता हूँ। साथ ही उन्होंने भूख से लड़ने में आम आदमी की लड़ाई में जो एक कारगर भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में किया है वो भी प्रशंसनीय है। वर्तमान में दो तीन चुनौतियां हैं। एक चुनौती स्वाभाविक रूप से होम क्वारंटाइन की है जिसको हमें सुनिश्चित कराना है, निगरानी समिति के को प्रेरित करके लोगों के आचरण में कोविड-19 के रोकथाम के हिस्से को लाना है, भौतिक दूरी रखना, हैंड वॉश, मास्क लगाना और समानांतर रूप से अस्थाई राशन कार्ड प्रवासी श्रमिकों और अवरुद्ध श्रमिकों का बनवाना। और उससे एक महत्वपूर्ण है, प्रवासी श्रमिकों के आगमन के पश्चात, गतिविधियां खुलने के पश्चात मनरेगा की या अन्य गाँव में भूमि विवाद प्रारंभ हो रहे हैं। राजस्व संहिता के तहत ग्राम राजस्व समिति के गठन का एक प्रावधान है जिसके विषय में मैंने उपजिलाधिकारियों से अनुरोध किया है, लिखित रूप से भेजा है। मैं सभी ग्राम स्तर लेखपालों से निवेदन करूंगा कि उसका गठन अगले 3 दिन में करा लें और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें और प्रभावी रूप से लोगों के राजस्व वादों, जमीन के विवादों के निस्तारण में निष्ठापूर्वक पारदर्शी रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करें ताकि गांव में शांति बरकरार हो, लोगों को न्याय मिल सके भूमि विवादों में। ये चुनौती का हम लोग मिलजुल करके लोगों के साथ सदव्यवहार के साथ इसका पालन करेंगे, ये मेरी अपील है। और पूर्व में जो भी कार्य किए गए हैं उनकी प्रशंसा करते हुए विश्वास है कि हम इसी तरह लड़ेंगे और बढ़ेंगे नारे के साथ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध में आगे बढ़ेंगे।